सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आचार्य चाणक्य की एक दूसरी नीति है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर पांच लोग या पांच चीज़ें आपस में बात कर रहे हो या एक साथ बैठे हो तो उनके बीच में हमें बोलना नहीं चाहिए या तो उनके बीच से हमें निकलना नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन को सुधारने के लिए और शांति से जीने के लिए, बिना मुसीबत के जीने के लिए बहुत सारी नीतियाँ दी हैं। आज भी अगर हम इसका पालन करें तो आज भी हम इसके बलबूते पर हम खुश रह सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने इस नीति के अंदर बताया है कि कौन से संबंधों के बीच में कौन सी बात चल रही हो, कौन बात कर रहा हो, तो हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए या तो वहाँ से निकलना भी नहीं चाहिए। चाणक्य कहते हैं, विप्रयो विप्रहेश्य दंपत्यो स्वामी भृत्यवो अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। आचार्य चाणक्य ने पांच ऐसी चीजें बताई है, पांच लोग बताए। सबसे पहले है दो ज्ञानी लोग। चाणक्य कहते हैं कि अगर दो ज्ञानी लोग बात कर रहे हैं या दो ब्राह्मण बात कर रहे हैं तो वो ज्ञान की ही बात कर रहे होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उनके बीच में से आपको नहीं निकलना चाहिए या तो उनकी बातों में बीच में आपको बोलना नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले बताया दो ज्ञानी लोगों के बीच में आप कभी भी ना बोले। दूसरा आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण और अग्नि। जहाँ पे भी ब्राह्मण अग्नि के पास बैठा है, संभवतः हो सकता है कि वो पूजा कर रहा हो या यज्ञ हवन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच में से निकलने से आपको महापाप लगता है। तो चाणक्य ने दूसरी ये चीज़ बताई है, दूसरे दो लोग बताए हैं, ब्राह्मण और अग्नि। उसके बाद चाणक्य कहते हैं कि अगर नौकर और मालिक का संवाद हो रहा हो, अगर मालिक नौकर को कोई चीज़ समझा रहा हो, तो उन दोनों के बीच में से हमें निकलना नहीं चाहिए, हो सकता है कि इससे इन दोनों का संवाद बाधित हो जाए। इसके पश्चात चौथी जो चीज़ चाणक्य बताते हैं वो है पति और पत्नी। जब भी पति और पत्नी आपस में बात कर रहे हो या एकांत में बात कर रहे हो तो उनके बीच में बोलना या उनके बीच में से निकलना, उनका एकांत भंग करना, वो चाणक्य अनुचित बताते हैं। इसके बाद चाणक्य ने आखिरी चीज़ बताई है, वो है हल और बैल। हल और बैल जहाँ पे भी आपको दिखाई दे उसके बीच में से कभी भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके कारण आपको कोई चोट पहुँचे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।